We take online question. Will there be free movement of public transport in green zone areas? I think इसके लिए जो नई guidelines आएंगी उसका इंतजार करें, तब सब स्पष्ट हो जाएगा. Okay. Mr. Sanjay Sharma from मेरा सवाल है सर, इंदौर से जितने भी अखबार निकलते हैं आज, उसमें आज एक बड़ी खबर छपी हुई कि सेंट्रल से जो टीम गई हुई थी इंदौर में कोरोना को रोकने के लिए, उसके बारे में लिखा गया कि सेंट्रल की टीम ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की और यहां से चली गई. आई थिंक दिस लोकल इनपुट्स इन द मीडिया, दैट इज द रिपोर्टिंग पार्ट, बट अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई थिंक दिस इज अ मीडिया रिपोर्ट एंड वी विल टेक नोट ऑफ दैट. नेक्स्ट मिस्टर नीलू. दो चीजें सर, एक तो जो हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है, नया जो लिस्ट जारी की है उसमें 21 दिन का एक पीरियड रखा गया है उसको रेड जोन से, तो वो क्या है सर? क्योंकि पहले आप 28 दिन कहते हैं कि ग्रीन जोन तभी बनेगा जब 28 दिन वहाँ कोई नया केस नहीं आया, तो 21 दिन का क्या है? और दूसरा सर, कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो आप जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन ये दो बता रहे हैं, तो क्या बफर जोन के बाहर जो होगा वो ग्रीन जोन माना जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी? तो सर जैसे कि आप सब लोगों को अवगत है कि इससे पहले हम लोगों ने दो क्राइटेरिया लेते हुए, जिसमें कि मुख्यतः ये था कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहाँ पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने जिले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया था. उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेज आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर ए जोन उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टी फैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड नो जोन विच कैन टुमारो बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस शुड बी मिस्ड आउट. तो उसके पार्ट में ही हमने रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो रिवाइज क्राइटेरिया है. अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहां पर कितनी है, उसके साथ ही वहां पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहां पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहां पर हमारी सेंट्रल आरआरटी जो गई हैं, होम मिनिस्ट्री की आरआरटी जो गई हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनका फीडबैक क्या है, जो हमारा रेगुलर सर्वेलेंस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है, इसके साथ ही वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहां पर थोड़े से कम केसेस है बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया, कि कल को वहां पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके. तो इन सारे कंसिडरेशन को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है. नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर जिले में अगर वहां पर इससे पहले वह रेड या ऑरेंज है, तो साथ में अगर वहां पर कंटेनमेंट एफर्ट्स अच्छे ढंग से चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो हमने कहा है कि 21 दिन अगर उस जिले में कोई केस नहीं आता तो आप उसको रेड या ऑरेंज से निकाल कर आप उसको ग्रीन जोन में कंसिडर कर सकते हैं. दूसरा विषय जैसे आपने बताया कि मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं वहाँ पर केसेज आए हैं, तो वहाँ पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है. वहाँ पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले. तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था. अब कंटेनमेंट जोन के बाहर चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी. अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई और पुणे, क्या इन शहरों में सोमवार से लॉकडाउन खुल जाएगा? आई थिंक दिस इज स्पेकुलेटिव, वी हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट, बट इफ एनीथिंग मैडम यू वांट टू ऐड. नो, आई थिंक वी ओके, वी शुड वेट फॉर इट. मिस्टर अनुमित्र, आनंद बाजार पत्रिका. Not reported any positive case for last 28 days, but instead of putting them in green zone, from orange zone to green zone, ministers put them in red zone. Why? What is the reason? Sir, as far as all the districts are concerned, मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में criteria explain किया है.
वह क्राइटेरिया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन अर्लियर टाइम व्हेन द केसेस वर लेस, व्हेन वी वर फोकसिंग मोर ऑन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अलोन और डबलिंग रेट, वी सेड कि वी नीड टू ब्रॉड बेस द क्राइटेरिया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां पर आज अगर पोटेंशियल केसेस भी कम है, कल को वह सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि वहां के केसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाए. उसको कंसिडरेशन में लेते हुए जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग रेशियो, किस जिले में किस प्रकार की टेस्टिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हम एक सिचुएशन में आ जाए कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हो और अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस बढ़ते रहें. इसी तरह से किस जिले की क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कि अगर वह बहुत ही ज्यादा हाईली डेंस एरिया है तो चांसेस हैं कि वहां पर केसेस फैलने के उसी स्पीड से बढ़ने के भी चांसेस होते हैं. तो हमने अपने क्राइटेरिया को ब्रॉड बेस किया. ब्रॉड बेस करके जो जिले हमारे लिए फ्यूचर में भी एक पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वहां पर आज लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस भी हो, उनको कंसिडरेशन में लेके रेड जोन के रूप में डिफाइन किया गया है. आज सबसे बड़ा चैलेंज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इज कि नॉट वेदर ए डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए रेड डिस्ट्रिक्ट और हीट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट. चैलेंज ये है कि आज क्या हम जिन भी डिस्ट्रिक्ट में केस आए हैं अपनी कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिलीनेट कर रहे हैं, और डिलीनेट कर हमने कितनी डिपेंडिंग ऑन द विथ और द ओवरऑल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन हमने कितनी स्पेशल सर्विलेंस टीम्स बनाई हैं, वह सर्विलेंस टीम डे टू डे घर पे जाकर सर्वे कर रही है नहीं कर रही है, क्या वह कोई केस छोड़ तो नहीं देती जिसकी वजह से फिर अगर अंडर करंट के रूप में जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं वह फेल हो सकते हैं. तो उसी के संदर्भ में जो हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए वह होना चाहिए कि जहां पर भी केसेस आए हैं, वह चाहे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हो चाहे ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट हो, बिना किसी कोताही के वहां पर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को पूरे 100% उस मोमेंटम से उस रिगर से करें कि वहां पर डिजीज फैल ना पाए. लास्ट क्वेश्चन मिस्टर नीरज, न्यूज 18. सर, महाराष्ट्र में एक मामला आया कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया मरीज पे, उनकी मौत हो गई, तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या गाइडलाइंस है? पहले भी आप बता चुके हैं लेकिन क्या कोई गाइडलाइंस है अस्पतालों को, या क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे किसी पे इस्तेमाल किया गया, उनकी जान नहीं बच पाई, क्या है पूरे मामले में? सर, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था ये बात कि अभी कोई कंफर्म ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी फॉर COVID-19 नहीं है. पूरे वर्ल्ड ओवर प्लाज्मा थेरेपी हो या और डिफरेंट मेथोडोलॉजी दो, उन पर अभी ट्रायल मोड में है, वो रिसर्च मोड में है, और उसके तहत ही कोई भी अगर इस पर कार्य करना चाहे तो वह प्रॉपरली ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ले, जैसे कि ICMR गाइडलाइंस में कहा गया है, और उसके तहत ही उस प्रोसेस को इनिशिएट करे. यह बहुत जरूरी है कि वाइल वी शुड रिमेन होपफुल बट वी शुड नॉट एंड अप डूइंग समथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू द एविडेंस. तो प्रॉपर एविडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, उसको रिसर्च और ट्रायल के रूप में ही लिया जाना चाहिए और उसके तहत ही कार्य करना चाहिए.